वेलकम टू गांधीनगर, फाइव कॉर्नर अब आ गया है गांधीनगर में। गांधीनगर का लग्जरी प्रोजेक्ट पहली बार इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। जब बात करते हैं फाइव कॉर्नर की और लग्जरी ना हो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो इस वीडियो के अंदर पूरे गांधीनगर का जो लग्जरियस प्रोजेक्ट है वो हम निकाल के लाए हैं स्पेशली आपके लिए, जहां पर आपको इतना बड़ा लिविंग एरिया मिलता है। पूरे गांधीनगर में इतना बड़ा लिविंग एरिया कोई भी प्रोजेक्ट और में नहीं मिलेगा। और एक चीज खास जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, पोडियम लिविंग, पूरे गुजरात का सबसे बड़ा पोडियम भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। तो जल्दी से चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको 4BHK का ये सैंपल हाउस, तो जरूर से चलते हैं देखते हैं। डाइनिंग और इनफॉर्मल लिविंग ओपन, क्योंकि इस 4BHK का, क्योंकि इस 4BHK का वो एरिया भी दिखाऊंगा। तो ये था डिस्कवर अपना, ये था अपनी बात। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपका चार से वेलकम, फिर आपका सिंक स्पेस है। तो ये था आपका जो है लिविंग एरिया, ये था आपका सेकेंड बेडरूम, जहाँ से भी आप जो है प्रॉपर फुल साइज का विंडो की वजह से आप प्रॉपर जो है जो कि अब तक हमने गांधीनगर में जैसी चीजें जो है वो आप देख सकते हो। और आपके इस मास्टर बेडरूम के साथ और इस प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने खाना है हर एक अहमदाबादी को, हर एक गांधीनगर वालों को, या फिर हर एक गुजराती को, या फिर हर एक इंडियन को उनके सपनों का घर दिलाना है। स्वागत है आपका फाइव कॉर्नर के इस नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम करने वाले हैं नई शुरुआत। यस, नई शुरुआत क्यों? क्योंकि अब तक जो है फाइव कॉर्नर था सिर्फ अहमदाबाद में। इस वीडियो के साथ आप चालू करने वाले हैं गांधीनगर भी, तो अब आपको अफोर्डेबल अपार्टमेंट से लेकर लग्जरी अपार्टमेंट जरूर से देखने को मिलेंगे अहमदाबाद के साथ साथ गांधीनगर में भी। तो आज का जो प्रोजेक्ट है लग्जरी से शुरुआत करते हैं, जरूर से चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ 4BHK का ये लग्जरी अपार्टमेंट। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अहमदाबाद के साथ साथ गांधीनगर के भी सैंपल हाउसेस देखने के लिए आप जरूर से हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसे ही अलग अलग सैंपल हाउसेस में जाकर उनको शूट करने में। तो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको 44 feet by 13 feet का लिविंग, डाइनिंग और फॉर्मल लिविंग एरिया। आपका काफी स्पेशियस, मैंने जैसे आपको बताया था 44 फीट बाय 13 फीट की ग्रिड के अंदर ये आपका मिल जाता है लिविंग एरिया, जिसे आप तीन पार्ट में जरूर से डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट रहेगा जो कि रहेगा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे लिविंग एरिया का, और वो है आपका 7 to 8 seater लिविंग स्पेस, जहां पर सोफा आराम से रख सकते हैं, सेंटर टेबल भी आपका प्रॉपर आ जाएगा, दो काउच अलग से भी आपको यहाँ पर लगाने हो तो भी आप जरूर से लगा सकते हैं। डाइनिंग और इनफॉर्मल लिविंग एरिया भी अलग से दिया हुआ है, वो भी मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस लिविंग एरिया का जो ब्यूटी है वो रहेगा आपका बालकनी, बालकनी से जो व्यू रहेगा वो परमानेंट ओपन, क्योंकि इस 4BHK का, क्योंकि इस 4BHK का डिज़ाइन ही कुछ हिसाब से है, जहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया था एरिया 44 फीट का वो दोनों साइड से ओपन है। यहाँ पर है आपका बालकनी और वहाँ पर भी मैं आपको कर्टन ओपन करके वो एरिया भी दिखाऊंगा, जहां पर आपको ओपन स्पेस तो ज़रूर से मिलेगी। पहले हम डिस्कवर करते हैं ये बालकनी स्पेस। बालकनी स्पेस का जो एरिया है वो आप मुझे सिर्फ कमेंट करके बताएं कि क्या स्पेस आपको लग रही है इस बालकनी की, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी स्पेशियस ये लग रही है। ऑलमोस्ट
साइज में इसमें आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं बताऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि डैट ये जो बालकनी का स्पेस है वो मुझे कितना मिलता है। यहाँ पर है आएगा आपका फर्स्ट बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, वो भी कनेक्ट आप इजीली कर सकते हो और बाकी के बेडरूम्स को भी ज़रूर से आप कनेक्ट कर सको। उतनी बड़ी साइज़ के अंदर आपको बालकनी मिलता है, ग्रीन व्यू तो ज़रूर से परमानेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका सैंपल हाउस बना हुआ है, तो सैंपल हाउस से भी बाहर की साइड पे आपको ग्रीन व्यू ज़रूर से दिया हुआ है। फुल साइज़ का फ्रेंच विंडो दिया हुआ है, आपके लिविंग एरिया से वो सीधा आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था आपका लिविंग एरिया। अब मैं आपको एक्सटेंडेड लिविंग एरिया जो कि आपका है डाइनिंग स्पेस, 6 सीटर डाइनिंग यहाँ पर बना हुआ है, फुल्ली डिज़ाइन किया हुआ है उस हिसाब से, जहाँ पर 6 लोग से 7 लोग आपके आराम से यहाँ पर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें जो है वो एंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये प्रॉपरली डिज़ाइन है, लिविंग एरिया से ही सीधा कनेक्टेड है आपका डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका फॉर्मल लिविंग या फिर इनफॉर्मल लिविंग भी इसे कंसिडर कर सकते हो, या फिर मैं इसे सजेस्ट करूँगा कि इसे आप फैमिली लाउंज के तौर पे भी ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। वो वाला था आपका मेन लिविंग एरिया, ये इनफॉर्मल हो जाएगा, फैमिली लाउंज कुछ भी अरेंज करना हो कर सकते हैं। और अगर आप कुछ ऐसे इंटरेस्ट रखते हो जहाँ पर आप जो है लिविंग एरिया इतना बड़ा नहीं चाहिए, फैमिली लाउंज नहीं चाहिए, तो इसे आप बड़ा डाइनिंग स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पर 8 सीटर का डाइनिंग स्पेस ज़रूर से लगा सकते हैं। बट अदरवाइज आई वुड रेकमेंड कि इसे आप फैमिली लाउंज के तौर पे ही ज़रूर से यूज़ करिए। तो अभी तक हमने डिस्कवर किया आपका लिविंग, डाइनिंग और इनफॉर्मल लिविंग एरिया। एक और चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी आपके लिविंग एरिया के अंदर, और वो है आपका पूजा स्पेस। यहाँ पर रहेगा आपका पूजा स्पेस, वेल कनेक्टेड ऑफकोर्स ये है पूजा स्पेस, जहाँ पर पूरे घर में आप कहीं पर भी बैठे हैं वहाँ से आप दर्शन कर सकोगे आपके पूजा स्पेस का। वास्तु वाइज प्रॉपरली इनका ध्यान रखा हुआ है, जहाँ से पीछे की साइड पे आपके कोई भी वॉशरूम से लेकर आपके कोई ड्रेनेज लाइन वगैरह नहीं आती है। मैंने आपको ये जो आपका एंट्री दिखाया ये था आपका यहाँ से आप मेन एंट्री। वेस्टिब्यूल स्पेस भी कंपेरेटिवली बड़ी साइज़ के अंदर आपको वेस्टिब्यूल स्पेस मिलता है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपका किचन, जो कि कनेक्टेड है सीधा डाइनिंग स्पेस के साथ। किचन जो है वो भी आपका डिसेंट सी साइज़ के अंदर मिलता है, यहाँ पर आप चाहो तो आराम से सी शेप के अंदर बना हुआ है बना सकते हैं, एल शेप के अंदर भी रखना चाहो तो भी कर सकते हैं। और साइज़ वाइज बात करूँ तो 10x10 यानी ऑलमोस्ट स्क्वेयर शेप के अंदर ही आपको किचन मिलता है। मेन चीज़ जो रहता है आपका चिमनी स्पेस, चिमनी लगाने के बाद भी यहाँ पर कई बार इश्यूज़ होते हैं कि आपका जो क्लीनिंग वगैरह का जो कंसर्न है वो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर बड़ी साइज़ के अंदर विंडो दिया हुआ है ताकि आपका वेंटिलेशन है वो प्रॉपरली मैनेज हो सके। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टोर स्पेस, 7.5x4 फीट की साइज़ वाला आपका यहाँ पर स्टोर स्पेस है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो रहेगा आपका वॉशयार्ड। वॉशयार्ड को अगर आपको एक्सटेंड करना है या फिर स्टोर रूम को या पूरे किचन को भी आपको एक्सटेंड करना हो तो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कुछ डिज़ाइन ही कस्टमाइज कर सको वैसा किया हुआ है ताकि आपका किचन स्पेस भी बड़ी साइज़ के अंदर आ जाएगा। तो ये था आपका लिविंग, डाइनिंग और फॉर्मल लिविंग एरिया के साथ साथ आपका किचन स्पेस, पूजा स्पेस भी हमने डिस्कवर कर लिया। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपके चारों बेडरूम्स। वेस्टिब्यूल एरिया से ही आपका फर्स्ट बेडरूम कनेक्टेड है, इसे मैं वेल डिज़ाइन 4 BHK बोलूँगा, क्योंकि ये रहेगा आपका गेस्ट बेडरूम। और गेस्ट बेडरूम है वो दिया हुआ है आपके स्टार्टिंग के अंदर ताकि आपकी गेस्ट की भी प्राइवेसी जो है वो भी मेंटेन हो, और आपके बाकी के तीनों बेडरूम जो हैं जहाँ पर आपकी फैमिली रह रही हो, फैमिली एरिया भी आपका जो है डिस्टर्ब ना हो, वैसे ये गेस्ट रूम भी दिया हुआ है। साइज़ वाइज मेरे हिसाब से डिसेंट सी साइज़ के अंदर ये दिया हुआ है, जहाँ पर आप 3 साइज़ बेड तो लगा ही सकते हो। वार्डरोब स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बनाना हो ज़रूर से बना सकते हैं। वैसे कई बार ऐसे हमने 4 BHK देखे हैं जहाँ पर गेस्ट बेडरूम के अंदर स्टोरेज स्पेस कई जो है लोग प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं का शायद उनके उतना कुछ सामान भी ना हो, या फिर
ये बेडरूम को आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो एज ए एक्टिविटी रूम के तौर पे, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी ये रूम अलॉट ज़रूर से कर सकते हो। एक्टिविटी रूम बनाना चाहो, होम थिएटर सिस्टम पूरा सेट करके इसे आप होम थिएटर भी ज़रूर से बना सकते हो। किंग साइज बेड तो ऑलरेडी लगा हुआ है, टीवी यूनिट यहाँ पर लगाना हो तो लगा सकते हैं। और मैंने जो आपको दिखाया था बालकनी, जो मैंने क्वेश्चन किया था आपको बालकनी वाला कि क्या साइज़ के अंदर आपको बालकनी मिलता है, वो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप आपका जो मेन बालकनी है उसे एक्सेस ज़रूर से कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बड़ी साइज़ के अंदर आपको अटैच वॉशरूम और वॉशरूम जो है गेस्ट बेडरूम के अंदर ये साइज़ का कंपैरेटिवली नहीं मिलता है। तो ये गांधीनगर का डिफरेंट स्टाइल है। नॉर्मली अहमदाबाद के अंदर जो गेस्ट बेडरूम के अंदर वॉशरूम मिलता है वो कॉम्पैक्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी साइज़ के अंदर जो है आपको वॉशरूम स्पेस दिया हुआ है। सीपी फिटिंग्स और जो आपके सावर्स है कमर्ड्स थे उनका मैंने जो ब्रांड अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बाकी के बेडरूम्स के अंदर जो अटैच वॉशरूम मिलता है उसमें आपको ब्रांड कौन सा मिलने वाला है। लिविंग एरिया से ही सीधा इस कॉरिडोर जो है वो आपको लेकर जाता है आपके बाकी के बेडरूम्स में, वो भी मैं ज़रूर से दिखाऊंगा। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ आपका ये कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम भी स्पेशियस है, याद रखिएगा ये काफ़ी स्पेशियस है। गांधीनगर की एक डिफरेंट जो है लेआउट स्टाइल यहाँ पर आपको दिख रही है, जहाँ पर आपको बड़ी साइज़ के अंदर वॉशरूम मिल रहा है। वो वाला वॉशरूम भी बड़ी साइज़ के अंदर था, ये भी कंपेरेटिवली बड़ी साइज़ के अंदर मिलता है। यहाँ पर सिंक स्पेस अलग से दिया हुआ है, डाइनिंग से वेल कनेक्टेड आपका सिंक स्पेस है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कॉरिडोर को कुछ हिसाब से डेकोरेटिव पीस लगा के आप ज़रूर से जो है वो डेकोर कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पर रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम भी आई थिंक आपके गेस्ट बेडरूम के साइज वाला ही है, जहाँ पर जो है आप किंग साइज बेड तो रख ही सकते हैं। वार्डरोब के लिए भी अलग से जगह दिया हुआ है डेवलपर ने, आप जो साइज इस बेडरूम का फील कर सको इसलिए यहाँ पर उन्होंने बेडरूम बनाया, वार्डरोब बनाया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उसे वहाँ वो स्पेस को ज़रूर से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको जो रूम या फिर जो स्लाइडर मिलेंगे और जो व्यू मिलेगा वो डिसेंट सा रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको ग्रीनरी वाला ही व्यू दिया हुआ है। तो ये था आपका सेकेंड बेडरूम। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपके दो मास्टर बेडरूम। ऑफ कोर्स इस 4 BHK के अंदर आपको दो मास्टर बेडरूम मिलने वाले हैं। दोनों की साइज जो है जस्ट मैं आपको फील करवाऊँ। यहाँ पर आपको लाउंज एरिया मिलता है, प्रॉपरली रिक्लाइनर वगैरह भी सेट करके आप जो है यूज़ करना चाहो तो आप आराम से इस एरिया को भी यूज़ कर सकते हो। उतनी बड़ी साइज़ के अंदर आपको ये बेडरूम स्पेस मिल रहा है। लुक एट दी साइज ऑफ दिस मास्टर बेडरूम, काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर दिया हुआ है, 17-17.5 feet के आसपास का मुझे इसमें जो डेप्थ आपको मिल रहा है, और 12 या 13 feet के आसपास का आपको ग्रिड इसके अंदर मिल जाएगा। किंग साइज बेड तो आप ज़रूर से लगा सकते हैं। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही ये एरिया बताया था, लाउंज या फिर रिक्लाइनर लगाना हो तो आप आराम से लगा सकते हैं। वार्डरोब के लिए यहाँ पर अलग से जगह ऑलरेडी दिया हुआ है। सेम पैटर्न जो अहमदाबाद में चलती है वैसी ग्लास डोर वाली पैटर्न यहाँ पर भी अंदर गुजरात के गांधीनगर में भी आपको देखने को मिलती है। पूरा जो है इंटीरियर भी प्रॉपरली डिजाइन है, इस पूरे वॉल को डेकोर भी उस हिसाब से किया हुआ है जिससे आपके मास्टर बेड की ब्यूटी और बढ़ जाती है। ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो मैं एक एड ऑन कर दूं कि यहाँ पर भी आपको एक स्टैंडिंग बालकनी या फिर प्लांटर बालकनी मिल जाएगा, जहाँ से आपको ग्रीन व्यू के साथ साथ आपको जो है कुछ ऐसे पिक्चर्स भी मिलेंगे, जहाँ पर मैं एक कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम पॉसिबल हो तो कर ले, वहाँ पर एक पिकॉक भी है अगर आप देख पाओ तो। ऐसी ग्रीनरी यहाँ पर गांधीनगर के अंदर है जहाँ से नेचर से आप कनेक्टेड रह सकते हो। आपके इस मास्टर बेडरूम से आप जो है राष्ट्रीय पक्षी जो है अपना मोर उसे भी देख सकते हो। ये एक जस्ट सिंपल हाउस है, तो सिंपल हाउस में भी इतनी सारी चीज़ें आज की डेट में रियल पिकॉक आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रहेगा आपका अटैच वॉशरूम जो कि है आपके इस मास्टर बेडरूम का, और मेरे हिसाब से साइज जो है वो बाकी के बेडरूम में जो आपको मिल रहे थे वॉशरूम उसी के साइज के आसपास का है। कोलार के सीपी फिटिंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर कमर स्पेस आ जाएगा और ये रहेगा आपका सिंक स्पेस। सब कुछ जो है आपको कोलार के ही मिलने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और मास्टरपीस। इस
4 BHK का, और वो रहेगा आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम, जो कि गांधीनगर की एक स्पेशलिटी मुझे अब तक लगी है, और वो रहेगा ये आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर आपको क्या खासियत दिख रही है, आप एक बार प्रॉपरली चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस मास्टर बेडरूम का ये जो कोना है वो आपको कॉर्नर विंडो के साथ, कॉर्नर विंडो सिर्फ नहीं है, पूरा स्लाइडर के साथ आपको कॉर्नर विंडो ग्लास वाला मिल रहा है, जहाँ से आप अगर आपके बेडरूम में बैठे हैं तो प्रॉपरली आपको व्यू रहेगा आपके गार्डन का, और यहाँ पर भी जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी आपको गार्डन ही मिलने वाला है, तो वैसी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हो आपके इस मास्टर बेडरूम के साथ, चीज़ देख सकते हो आपके मास्टर बेडरूम से ही। ऑलमोस्ट साढ़े बारह से तेरह फीट के आसपास का इसका ग्रिड है, यानी बड़ी साइज़ वाला ये आपका मास्टर बेडरूम है। वार्डरोब के लिए अलग से यहाँ पर जगह दिया हुआ है, यहाँ पर लगा सकते हो आपका किंग्स बेड, और बाकी ये जो वॉल है आप अपने हिसाब से ज़रूर से डेकोर कर सकते हो। और यहाँ पर आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम, वॉशरूम भी आपका अगेन सेम साइज़ के अंदर मिल रहा है, जब तक मुझे आइडिया है वॉशरूम्स यहाँ पर सेम साइज़ के दिए हों। अगर आपका वेदर दैट इज़ अ मास्टर बेडरूम या फिर नॉर्मल बेडरूम, कोला के भी फिटिंग्स भी हैं, शावर स्पेस भी अलग से दिया हुआ है। हाइट की बात करें तो वॉशरूम के अंदर जो है वो आपका फॉल सीलिंग के बाद भी डिसेंट सा हाइट है, मेरे हिसाब से 7-7.5 फीट का आपको वॉशरूम के अंदर हाइट दिया हुआ है। और सारे बेडरूम्स में या फिर हॉल की बात करें तो वहाँ पे 10.5 से 10.5 फीट का हाइट क्लियर आपको मिल जाता है। बाकी इस बेडरूम में भी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ये रहेगा आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम, सारी चीज़ें हमने ओवरऑल कवर तो कर ही ली है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे आपको बतानी ज़रूरी है, जहाँ पर रहेगा आपका टाइल्स, टाइल्स जो हैं आपको नॉर्मल 2x2 की टाइल्स नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगा 2.5 फीट बाई 5 फीट की टाइल्स। 70% आपका ओपन व्यू इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाला है, गांधीनगर के वेलकमिंग टावर ये होंगे, और जैसे ही आप अहमदाबाद से आते हो गांधीनगर तो ये दो टावर, यानी गुजरात गांधीनगर का ये टॉलेस्ट एंड वेलकमिंग टावर होने वाले हैं, और SG हाईवे से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पे ये पूरा प्रोजेक्ट है। गुजरात का सबसे बड़ा पोडियम इस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाला है, 75,000 square feet का आपको पोडियम मिलेगा, पोडियम लिविंग या लग्जरी लिविंग इसे आप ज़रूर से बोल सकते हो, और लिमिटेड इन्वेंट्री है, अप्रॉक्सीमेट 232 के आसपास यूनिट्स है 3 और 4 BHK मिला के। लग्जरी के अंदर एक चीज़ खास जो कि है, एक फ्लोर पे 2 यूनिट तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और ओवरऑल जो फील है वो आप ज़रूर से कर सकते हो। डेवलपर जो है अहमदाबाद के ही डेवलपर हैं, जब हम बात करते हैं गांधीनगर की शुरुआत तो हम अहमदाबाद से ही करेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं अहमदाबाद से ही हैं, तो चालू भी अहमदाबाद से ही करेंगे, लेकिन ये वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं आपको लग्जरी गांधीनगर की, और ग्रीननेस या फिर ग्रीन सिटी गांधीनगर को बोला जाता है, कैपिटल भी है, तो थोड़ा स्टाइल जो है अहमदाबाद से डिफरेंट ज़रूर से रहेगा। 2 से 5 डिग्री टेम्परेचर का आपको फ़र्क ज़रूर से फील होगा अगर आप गांधीनगर में रहते हो तो। ये सारी चीज़ें हैं, पार्किंग से लेकर अम्यूनिटीज़ आपको सारी लग्जरी मिल जाएंगी, स्विमिंग पूल कवर वाला मिलेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने में, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को करते हैं एंड, और आप सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिएगा, क्योंकि अभी हमने चालू किया है गांधीनगर, काफ़ी सारी सिटीज़ जो हैं वो बाकी हैं ऐड करनी, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिएगा, ऐसे ही वीडियो ज़रूर से आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक बोलते हैं आपको बाय। तो इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा डिटेल के लिए आप ज़रूर से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ठाना है हर एक अहमदाबादी को, हर एक गांधीनगर वालों को, हर एक गुजराती को, और हर एक भारतीय को उनके सपनों का घर दिलाना है।